हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दरबार व्लॉग्स। और मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हमने आज एक नया प्रयोग किया है और इस प्रयोग में हमने आज गोबर गैस बनाई है। और ये गोबर गैस हमने घर पे बनाई है और इस गोबर गैस से हम चूल्हा जला सकते हैं और खाना बना सकते हैं। और ये प्रयोग हमारा काफ़ी अच्छे से सिद्ध हुआ है, तो इसका हम आपको बताएंगे क्या यूज होता है। गोबर गैस हमने पहले एक बोतल लिया है, ये बोतल लेने के बाद फिर हमने तैयार किए। और ये गैस को बनाने के लिए हमने पहले एक बोतल ली है, जो कि हमने थोड़ी ज्यादा मात्रा में गैस बनाई है, तो इसलिए हमने 2.5 लीटर की बोतल ली है। और इसमें हमने लिए एक नड़ी, जिस जो कि दवाई बनाने में प्रयोग होती है। दोस्तों ये जनरेटर है और ये अभी मेडिकल पर जाती है। और इसमें हमने क्या किया है, बोतल में पहले से इसमें हमने गोबर डाला है, ज़्यादा गोबर नहीं देना है। तो गाइस इसमें हमने 500 ग्राम गोबर लिया है भैंस का, आप गाय का ले सकते हो। और गाइस इसमें हमने 1 लीटर पानी मिलाया है और फिर हमने इसको रख दिया है। और फिर हमने इसके लिए हमने माउंटेन से कुछ एक बार और एक लीटर देखा। तो गाइस ये हमने बोतल ले लिए और इस बोतल में हमने आप बताया था मैंने किस प्रक्रिया है। और पूरी प्रक्रिया करने के बाद हमने इसको 5 दिन के लिए खुले में रख दिया है। और खुले में रखने से पहले गाइस हमने ये एक नली ली है, जो मेडिकल पर आकर उपलब्ध हो जाती है। और गाइस ये नली को लेने के लिए और फिर हमने इसमें ये ढक्कन है, इसमें हमने छेद कर दिया है। और नली का जो दूसरा सिरा होता है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और गाइस मैं इस ढक्कन को नहीं खोल सकता भी, क्योंकि इसमें गैस बनी हुई है। अगर मैंने ढक्कन खोल दिया तो इसमें से पूरी गैस निकल जाएगी। और गाइस इसको लगाने के बाद एक और यहाँ ऊपर हमने एम सील लगा दी है, आप ग्लू घर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर लगाने के लिए। तो गाइस इससे क्या होगी कि हमारी गैस लीकेज नहीं होगी। और गाइस दूसरे तौर पर ये रेडी है। और गाइस हम आपको इसका प्रयोग बताएंगे। और आपको पता लग जाएगा की गोबर गैस बनी हुई है। तो गाइस गोबर गैस बनाने से पहले पूरी बोतल कैसे पिछका दे और ढक्कन को ठीक से बंद कर दे। जैसे इसमें गोबर गैस बनेगी तो बोतल अपने आप से खुल जाएगी। तो गाइस हमने एक पूरी गाइस ये यहाँ से ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉक हो गया है यहाँ से, तो ठीक से खोल कर। तो गाइस अभी हमने ये बोतल नीचे रख दी है, इससे कि कोई ये यहाँ से ब्लॉक नहीं होगी, ये अभी सीधे उठ चुके। और गाइस ये कोई नली है, आप देख सकते हैं। और गाइस मैं अभी इसको आपको प्रयोग बताता हूँ। गाइस ये काफ़ी शानदार प्रयोग करेगा मेरे हिसाब से। गाइस इसको यहाँ से खोले, दो लोगों की हेल्प लगेगी इसमें। तो करता है इसको खोल, तो गाइस आप देखोगे काफी शानदार लगती है। बोतल भी इसके वही थोड़ा सा गैस निकलेगी, तो आप देखिए
हमारी गूगल मैप्स काम कर रही है और ये वो नूडल है जिसमें गैस आ रही है। तो गैस आप देख सकते हैं गूगल मैप्स काफ़ी शानदार काम कर रही है। और गैस थोड़ा अंधेरा कर दिया है हमने ताकि थोड़ा ठीक से दिखे। तो गैस आप देखिए हमारी गूगल मैप्स काम कर रही है। ये जनरेटर है इसका छेद थोड़ा छोटा है इसकी वजह से इसमें से गैस कम आ रही है तो इसका प्रेशर कम लग रहा है। नहीं तो इसका प्रेशर काफ़ी है नडल का जो छेद है ये काफ़ी छोटा है। तो गाइस हम इसको डायरेक्ट करके हटाएंगे। गाइस हमारी नाली ठीक में पानी भरा हुआ था इसलिए फैला थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा था। अभी गाइस काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो गाइस देखिए आप मेरा। और गाइस अगर ये नीडल का छेद थोड़ा बड़ा हो और गोबर गैस को अगर और गाइस अगर गोबर गैस को ज़्यादा मात्रा में बनाया जाए तो गाइस ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। तो गाइस आप देखिए वो नड़ी हमारी देखिए गाइस गाइस देखिए बोतल भी हमारी वही है देखिए गाइस हमने थोड़ा अंधेरा कर रखा है गाइस गाइस देखिए बोरी हमारी बोतल गाइस देखिए रिजल्ट काफी शॉकिंग है। और आप गोबर आप देखिए रिजल्ट काफी अच्छा आ रहा है और काफी तेज आगे निकल रही है गाइस देखिए ये हमने गैस बनाई जो। तो गाइस आप भी घर पर बायोगैस बना सकते हैं। तो गाइस ये हमारा बायोगैस ही है गाइस देखिए देखिए गाइस ये वो नीडल है हमारी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो गाइस देखिए अगर आपको शुरू से बनाना सीखना है तो कमेंट में डाल दें।